ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये बात आप याद रखिए, जब भी आप अगर सर्दी में एस्पार्ट लगा रहे हैं तो जो आप इसमें रोलर इस्तेमाल करेंगे वो साथ ही इस्तेमाल करें, वरना जो आपका एस्पार्ट है वो सर्द हो जाएगा। तो फिर उसके ऊपर जो रोलर है, कंपैक्ट रोलर या छोटा वाला या बड़ा वाला, ये बड़ा वाला या वो छोटा वाला, अगर आप उसके बाद चलाएंगे तो हालत ऐसी होगी। अगर सर्दी में होगा, गर्मी में होगा तो मुश्किल नहीं, गर्मी होगी क्योंकि इधर ठंडी है इसलिए ऐसा हो गया। देखिए आप इसकी शक्ल, लेकिन इधर देखें माशाल्लाह, इधर जैसे ही इन्होंने ख़त्म किया मतलब डाला थोड़ा, तो साथ में ही इसको रोलर चला दिया, वो 2 टन तकरीबन, वो 2 टन वाला है। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखा करें। ये भी आप देख सकते हैं, ये सारा सर्दी की वजह से हुआ, असल में इन्होंने काम स्टार्ट जल्दी किए थे। इधर मुश्किल भी है, इधर उन्होंने शिरके वाले कंपनी जो है उन्होंने कहा कि हम 8 बजे से पहले आपको देंगे, 9 बजे से पहले देंगे, 9 बजे के बाद नहीं दे सकते। वो काम ही मशीन काम नहीं करती है, मतलब मशीन काम नहीं, मशीन में काम नहीं करते, वो दूसरा काम करते हैं, फिर मजबूर हम ही हैं सुबह लाने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं नया एस्फाल्ट जो गर्म है, फिर इसके ऊपर रोलर चढ़ा के देख लेते हैं कि क्या पता इसकी जो शाइनिंग है वो सही हो जाए, यानी जो इसमें ये फुलर, एक किस्म का इफ्लोरेसेंस है, ये जो सफ़ेदी आप देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, देखते हैं। ये जैसे देखे आप देख रहे हैं ताज़ा है सारा, इसी के ऊपर चला रहे हैं। छोटा वाला साइड में काम इस तरह, ये देखिए ताज़ा है, इसके ऊपर रोलर चला के ताज़े पे ही काम किया, फ्रेश एस्फाल्ट। अभी देखते हैं जो इसे सफ़ेद है पहले, और एक और बात है, ये पहली लेयर है, इसे भी एक और लेयर डलेगी। हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो सफ़ेदी ख़त्म हो रहे हैं। हमें ख़तरा था कि कहीं कहीं क्रैक्स ना आ जाए, लेकिन अलहमदिल्ला भी सही था। जैसे कि आप उधर देख रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, गर्मी की वजह से। ये देखें सारी, मैं 2 टन का बोला, ये बोल रहे हैं 60 टन का है, और ये जो है ये 25 टन का बोल रहे हैं, ये वाला, ये 2 टन वाला, ये 25 टन वाला। और ये बोल रहे थे 1 टन वाला, अभी तो मैं इन्हीं का मान रहा हूँ, देखना पड़ेगा नेट पे भी, आप थोड़ा सर्च करें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।